हाँ जी, डेली पंजाब न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਆਖਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। हाँ जी, ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤੇ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। हाँ जी, ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। प्राप्त जानकारी अनुसार जिथे सरकार वालों जंतर मंत्र विखे 200 किसानों के धरने मंजूरी दी गई सी, जिस कारण कोरोना के वाधे को रोकया जा सके, उत्थे ही हुण किसानों के संघर्ष के चलदियां होया खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर वालों यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को देखते दे हुए किसान आगू नाल गलबात करन लई तैयार हैं। हाँ, दस दिए कि उन्होंने आख्या है कि सरकार ने हर तरह के मामलों के हल लई किसान यूनियन नाल सदा गंभीर संवेदनशील अते सरगर्म होरो विच गलबात की है। उन्होंने कहा है कि किसानों नू जिन्ना प्रबंधा दे इंतजार है इन मामलों ते गलबात की जाएगी अते उन्हां दा हल लभ्या जाएगा, पर किसान यूनियन खिलाफ खेती कानूनों रद्द करवाउण ते जोर दे रहे हैं। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने पहला भी इस तरह किसानों को सद्दे दिते हैं। हाँ, दस दिए कि नरेंद्र तोमर वालों ये भी कहा गया कि किसान तीन खेती बिलों को रद्द करवाउण ते जोर दे रहा है, उसके बजाय वह अपनी चिंतावान बारे गल करन दी ना चाहते हैं तो उन्होंने हल कढ़िया जा सकता है। तोमर ने कहा कि अज भी किसान सानू दसदे हैं कि खेती कानूनों विच इस विषय उत्ते इतियार है अते किसानां नाल गलबात करके इन्हां दा हल लभ्या जा सकता है। तोमर ने संसद दे बाहर बोलिया, कहा कि देश गवाह है कि कानून किसान पक्की हन अते उन्हां दे फायदेमंद ही है। हाँ जी, इस दे नाल ही स्रोते वीरे साडी खबर इत्थे समाप्त हुंदी है। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।